क्लासिकल मैकेनिक्स के पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिगार्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ इंट्रोडक्टरी बातों को देखा था। आज से एक्चुअली हम लोग इसके टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। अब इस लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन को भी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए फिर कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं। वैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन इसको हम लोग जस्ट एक बेसिक के रूप में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चार बातों को डिस्कस करेंगे क्रम से। कॉन्स्टेंट्स, नंबर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर थ्री जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड नंबर फोर जनरलाइज्ड नोटेशंस। इस जनरलाइज्ड नोटेशन के अंतर्गत कई नोटेशंस हम लोग पढ़ेंगे, ये इन ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमारा कॉन्स्टेंट से है, हम लोग कॉन्स्टेंट को डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स की बात हम लोग अब करने जा रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स, सामान्य तौर पर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है वह रेस्ट्रिक्टेड मैनर में होता है। ऐसे फ्री मोशन की भी हम लोग बात करते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंट्स का सामान्य अर्थ, कॉन्स्टेंट्स का जो जनरल मीनिंग है वह है मोशन व्हिच टेक्स प्लेस इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर। मोशन व्हिच टेक्स प्लेस इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर। रेस्ट्रिक्टेड मैनर कोई न कोई कंडीशन के तहत मोशन होता हो, रेस्ट्रिक्टेड मैनर से मोशन, न कि आर्बिट्रेरी तरीके से मोशन। नॉट इन आर्बिट्रेरी मैनर। नॉट इन आर्बिट्रेरी मैनर। जैसे एक सिंपल एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें कि मोशन अगर किसी स्पेसिफाइड पाथ पर होता है, जैसे सपोज करें कि दिस इज ए पाथ, अलोंग दिस पाथ मोशन ऑफ ए पार्टिकल टेक्स प्लेस। अगर किसी स्पेसिफाइड पाथ पर, पाथ का शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पाथ पर मोशन पार्टिकल का हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि ए बी एक स्पेसिफिक पाथ है, तो यह एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन का एग्जांपल है। बल्कि आप कहिए कि दिस इज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड मोशन। इस केस में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, अगर मोशन किसी स्पेसिफिक पाथ पर होगा तो देयर विल बी ओनली वन कोऑर्डिनेट नीडेड टू स्पेसिफाई द कंप्लीट मोशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम बात करें कि मोशन एक सर्कुलर पाथ पर हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में कोई अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करता है, तो अगर हम लोग सेंटर को ओरिजिन मान लें,
और एक्स वाई प्लेन में सपोज करें कि हमारा यह सर्कल है, तो इनफैक्ट किसी टाइम टी पर अगर पार्टिकल के पोजीशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लोकेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट हमारा एक्स और वाई होगा। लेकिन अगर इस सर्कल का आप इक्वेशन लिखते हैं तो दैट इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हमें रेडियस मालूम है तो आप समझिए कि इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स को जानते हैं, इसका मतलब इस रिलेशन से आप वाई को ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए दो कोऑर्डिनेट जानने की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक ही कोऑर्डिनेट जानने की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट का, अगर यहाँ इसका कोऑर्डिनेट मान लें आर थेटा, आर नॉट आर एंड आर थेटा, बट हियर आर इज इक्वल टू ए क्योंकि हमने रेडियस को ए माना है, तो ऐसी स्थिति में आर फिक्स रहता है तो उसे हम कोऑर्डिनेट ट्रीट नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि केवल जो यहाँ का एंगल थीटा होगा दैट वेरिएबल इज सफिशियंट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक स्पेसिफिक पाथ पर पार्टिकल के का मोशन होना एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्टेड मैनर का। आप इसके अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखें तो हमारा जो गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है या आप बात कर सकते हैं रॉकेट का, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का या ऐसे डिवाइसेस का जो मोशन होता है, चाहे वह गाइडेड मिसाइल हो या रॉकेट हो, वह एक स्पेसिफाइड पाथ पर होता है और इसलिए इसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको ज़रूरी होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऐसे अगर सपोज कर लीजिए कि कोई स्फेयर है और उस स्फेयर के सरफेस पर कोई पार्टिकल स्लाइड कर रहा है, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन के तहत कि पार्टिकल कभी भी इस सरफेस से डिटैच नहीं होता है, यह भी एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन का एग्जांपल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होता, पार्टिकल के मोशन पर आप रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करते, जैसा आपने देखा कि मोशन अगर सर्कुलर पाथ पर हो रहा है तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट आइदर एक्स और वाई और थीटा इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टेंट हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रॉब्लम में को सॉल्व करने में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करना होता है, इनफैक्ट उसको सिंपलर बनाता है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि इम्पोजिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन ए मैकेनिकल सिस्टम इज टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब हम कॉन्स्टेंट इम्पोज करते हैं अपने सिस्टम पर तो उससे जो कोऑर्डिनेट का संख्या है, किस कोऑर्डिनेट का, तो सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसका नंबर डिक्रीज कर जाता है। और नंबर डिक्रीज करने का मतलब है कि जो या सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को डील करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए उसका नंबर डिक्रीज करता है और जो मैथमेटिकल रिगरनेस है वो डिक्रीज कर जाता है, हमारा कैलकुलेशन सिंपलर हो जाता है। ये तो कुछ कुछ बात हुई कॉन्स्टेंट के रिगार्डिंग। अब इस कॉन्स्टेंट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ
अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट हम लोग की अब बात करेंगे। कांस्टेंट को इनफैक्ट हम लोग क्लासिफाई करते हैं नंबर वन होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, फिर एस्क्लेरोनोमस एंड रियोनोमस कांस्टेंट्स। अब इनफैक्ट इन ऑर्डर हम लोग एक एक करके जानेंगे, पहले होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट की बात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे की बात करेंगे। नंबर वन जो होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए होलोनोमिक कांस्टेंट इन शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं एच सी मीन्स होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट के केस में इनफैक्ट पार्टिकल का जो पोजीशन है वह कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होता है, पोजीशन पोजीशन कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। Completely restricted. देखिए इनफैक्ट किसी भी कांस्टेंट को हम लोग हमेशा एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैथमेटिकली होलोनोमिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करना चाहें या एक कंडीशन मैथमेटिकली लिखना चाहें कि जो कांस्टेंट को कब होलोनोमिक बोलेंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे लिखते हैं इस बात को समझना है। आप देख रहे हैं कि चूंकि इसमें पोजीशन रेस्ट्रिक्टेड है और वह अभी कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है, तो होलोनोमिक कांस्टेंट को मैथमेटिकली हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, मैथमेटिकली मैथमेटिकली ए होलोनोमिक कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर वन आर टू सो ऑन आर एन एंड टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। इनफैक्ट अगर आप कोई सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स है और किसी भी आर्बिट्रेरी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर वन लेते हैं, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आप आर टू लेते हैं, और इसी तरह से कोई मान लीजिए एन पार्टिकल का सिस्टम है, एनथ का पोजीशन वेक्टर आर एन है एंड साथ साथ टाइम। तो एक फंक्शन जो पोजीशन वेक्टर का फंक्शन और टाइम का फंक्शन होगा, अगर वह जीरो के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट हमारा होलोनोमिक है। अब देखिए अगर इस पॉइंट जो जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने आर वन आर टू आर थ्री एंड सो ऑन आर एन लिया, अगर उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कहिए या उसका हम लोग स्पेस कोऑर्डिनेट कहें, वह इसी के अनुसार एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री ले लें, तो इन जनरल इस इक्वेशन को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज ए फंक्शन ऑफ एक्स वन y1 z1
Z1 X2 Y2 Z2 and so on XN YN ZN T equal to 0. या इसको इन कॉम्पैक्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं, ए फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई जेड आई एंड टी इक्वल टू 0. इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है. यहाँ जो सबस्क्रिप्ट हमने लिखा आई, आई का मीनिंग है 1, 2, 3 सो ऑन एन. देखिए यद्यपि इस जनरल रिस्ट्रिक्शन के इक्वेशन में टी भी इन्वॉल्व है, लेकिन जब हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे तो देखेंगे कि हो सकता है कि कांस्टेंट के इक्वेशन में, होलोनोमिक कांस्टेंट के इक्वेशन में एक्सप्लिसिटली टाइम इन्वॉल्व नहीं भी हो भी सकता है नहीं भी. जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन होता है वहाँ टाइम एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व नहीं ही होता है. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे आगे. लेकिन अगर इसी कांस्टेंट के इक्वेशन में जहाँ इक्वालिटी का साइन है, अगर इस इक्वालिटी के जगह पर इन इक्वालिटी आता है तो उस स्थिति में कांस्टेंट को हम लोग नॉन होलोनोमिक कहते हैं. तो अगर नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, NHC शॉर्ट फॉर्म में लिखा नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, अगर इसकी बात करें तो मैथमेटिकली इसके इक्वेशन को हम लोग इस रूप में लिखेंगे, एफ ऑफ R1 R2 सो ऑन RN T इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है. देखिए इनफैक्ट ये जो इनइक्वालिटी है वह इस बात को रेफर करता है कि नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट के केस में पोजीशन रेस्ट्रिक्टेड होता है लेकिन नॉट कंप्लीटली, बल्कि पार्शियल रेस्ट्रिक्शन ऑन पोजीशन, पार्शियल रेस्ट्रिक्शन ऑन पोजीशन. इट मीन्स कि अगर पोजीशन कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो बल्कि पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड हो, उस स्थिति में आप कांस्टेंट को नॉन होलोनोमिक कहेंगे. अब एक्चुअली जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसको कुछ सिंपल एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो आप बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते हैं, जो हमारा सिंपल पेंडुलम है. हम सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम के मोशन के समय जो रेस्ट्रिक्शन है, जो कांस्टेंट है, वह क्या है. आंसर आपको हम पहले बता दें, दैट विल बी ए होलोनोमिक कांस्टेंट, सिंपल पेंडुलम. जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम में सिंपली एक बॉब होता है और वह एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है. स्ट्रिंग का एक किनारा फिक्स होता है और दूसरे किनारे से बॉब को हम लोग कनेक्ट करते हैं और वह बॉब एक वर्टिकल प्लेन में अंडर ग्रेविटी ऑसिलेट करता है. मान लीजिए इस यही हमारा सिंपल पेंडुलम है जो वर्टिकल एक्सवे प्लेन में अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है. स्ट्रिंग, तो सिंपल पेंडुलम फर्स्ट एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं. इनफैक्ट
सिंपल पेंडुलम एक एग्जांपल है होलोनोमिक कांस्टेंट का। सिंपल पेंडुलम इज ए होलोनोमिक सिस्टम, आप कह सकते हैं इसको कि दिस इज ए होलोनोमिक सिस्टम। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि जब बॉब का ऑसिलेशन इस वर्टिकल प्लेन में होता है तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उससे हमारे बॉब का जो डिस्टेंस है, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट रिमेंस कांस्टेंट, एल इज फिक्स्ड। इसलिए डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं, सिंपल पेंडुलम के डेफिनेशन में, कि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होता है, एल चेंज नहीं करता है, और इसलिए एल क्या रहेगा, फिक्स्ड। यहाँ इसका मतलब बॉब का जो पोजिशन है वह कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है कि वह एक वर्टिकल एक्स वाई प्लेन में हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से फिक्स डिस्टेंस के ट्रेजेक्ट्री पर, एक सर्कुलर आर्क पर ही मोशन करता है। मैथमेटिकली अगर हम इस के इस पर इम्पोज कॉन्स्टेंट के इक्वेशन को लिखें तो आप जान रहे हैं कि यह मोशन एक वर्टिकल एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। सो द इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या सब लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। देखिए, मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, इसीलिए आप लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू जीरो और कॉन्स्टेंट। ये भी संभव है कि जो ओरिजिन से एक्स हिसाब से जेड हमारा जीरो नहीं हो लेकिन कॉन्स्टेंट होगा, इतना तो हम कह ही सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन, अगर इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपने एक्स और वाई ही लिया तो आप जैसा फिगर के ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एंड दिस एल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। So it may be written as x square plus y square minus l square equal to 0। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें जैसा हम लोगों ने पहले देखा है, इक्वेशन 3 हम लोग सपोज किए थे, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 4। तो आप देखिए, जो होलोनोमिक कांस्टेंट के लिए इक्वेशन हम लोगों ने लिखा इक्वेशन नंबर 2, आप उससे कंपेयर करके देखिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये इक्वेशन नंबर 4 उसी फॉर्म में है। इसका मतलब होलोनोमिक कांस्टेंट के कंडीशन को, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन को यह सेटिस्फाई करता है, और इसलिए सिंपल पेंडुलम के केस में बॉब के मोशन पर इम्पोज जो कांस्टेंट है वह होलोनोमिक है, और यही कारण है कि हम लोग इसको कहते हैं होलोनोमिक सिस्टम। इस केस में आप एक बात देख सकते हैं कि एक सामान्य बात गलती होती है लोगों से कि मोशन एक प्लेन में हो रहा है, टू डायमेंशनल मोशन है, इसलिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन नहीं, आप अगर गौर करें तो हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फिर बात करते हैं तो फिर आप देखिए कि अगर आपको x मालूम है इसका मतलब आप y भी जानते हैं, इसलिए एक ही कोऑर्डिनेट जानना है। अगर आप y ही जानते हैं इसका मतलब आप x निकाल सकते हैं इससे, इसीलिए आपको y ही केवल जानना है। या अगर हम बात करें इस पोलर कोऑर्डिनेट का, P पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा r और थीटा, एक्चुअली दैट विल बी एल एंड थीटा। एल तो फिक्स्ड है, मालूम है, इसका मतलब हमको केवल एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए थीटा और हम इसका मोशन डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए एक रिमार्केबल बात है जो इसकी आप आगे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि उस स्थिति में इसकी बहुत सारी आवश्यकता होगी। और एक कॉमन मिस्टेक लोगों से होता है कि जो कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए,
इस बॉब के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो कॉमन जवाब लोग देता है कि दो चाहिए, लेकिन चाहिए कितना, सिर्फ एक, क्योंकि एक के मालूम रहने पर दूसरा मालूम हो जाता है। तो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दीज आर इनफैक्ट डिपेंडेंट। अब एक दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि कोई स्फीयर है और ए रेडियस है हमारे स्फीयर का, और इस स्फीयर के सरफेस पर कोई पार्टिकल है जो अंडर ग्रेविटी स्लाइड कर रहा है। अब ये जो पार्टिकल इस पर स्लाइड कर रहा है, अगर हम लोग इस स्फीयर के सेंटर को ही ओरिजिन मान लें और यहाँ आप एक्स वाई और जेड एक्सिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। किसी समय अगर हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पर है जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, तो ऐसी स्थिति में यदि हम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखना चाहें कि हमारा पार्टिकल इस स्फीयर के ऊपर स्लाइड करेगा अंडर ग्रेविटी, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ देखिए, यहाँ इनफैक्ट इनइक्वालिटी का साइन आ गया। तो इनइक्वालिटी आप जानते हैं, जैसा अभी हम लोग ने नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट के केस में पढ़ा, तो ये इनइक्वालिटी इस बात को रेफर करता है कि यहाँ जो कांस्टेंट इम्पोज्ड है पार्टिकल के मोशन पर वह नॉन होलोनोमिक है, नॉन होलोनोमिक। देखिए, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी इनफैक्ट यहाँ रेफर किस बात को कर रहा है। अगर हम लोग दो सिचुएशन यहाँ है ना, नंबर वन अगर हम कंसिडर करें कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इनफैक्ट यह कंडीशन उस समय होल्ड करेगा जब पार्टिकल इस स्फीयर पर जब मोशन करता है, कभी भी वह इसके सरफेस से डिटैच नहीं होता है, हमेशा उस सरफेस के साथ उसका कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है। तो ऐसी स्थिति में पार्टिकल का पोजिशन कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, साइन ऑफ इक्वालिटी आ गया, और तब अगर ऐसा इक्वेशन है तो दिस विल बी इनफैक्ट होलोनोमिक कांस्टेंट। लेकिन अगर ये पार्टिकल इस सरफेस से किसी पॉइंट पर मान लीजिए डिटैच हो गया, इस पॉइंट क्यू पर आके डिटैच हो गया, तो वहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेफिनेटली ए स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर आप बात करते हैं कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और यह होगा कहाँ, तो जिस जगह पर पार्टिकल स्फेरिकल सरफेस से डिटैच होता है, तो उस कंडीशन में जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी नॉन होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। तो इसे में हम लोगों ने होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक दोनों ही कांस्टेंट के संबंध में देखा। हम एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल की बात करेंगे, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले रहे हैं मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी
का डेफिनेशन ही है, उसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पे आगे पढ़ेंगे, वैसे बॉडी को आप रिजिड बॉडी कहते हैं जब उसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वह कभी भी चेंज नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक रिजिड बॉडी यह कंसिडर करते हैं और इसका दो पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, एक आईथ पार्टिकल दूसरा जेथ पार्टिकल। किसी आर्बिट्रेरी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आईथ पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर है आर आई और जेथ पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर है आर जे। इस कंडीशन में अगर हम जेथ पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर आईथ के रिस्पेक्ट में कहें दैट इज आर जे आई, तो व्हाट विल बी दिस आर जे आई, दैट विल बी आर जे माइनस आर आई। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट अगर लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, तो आप क्या लिखेंगे, आर जे माइनस आर आई का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ आर जे आई एंड दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड अगर आर आई और आर जे, अगर सपोज कर लें कि जो आई पॉइंट है इसका पोजिशन कोऑर्डिनेट्स है एक्स आई वाई आई और जेड आई, और जेथ का पोजिशन कोऑर्डिनेट मान लें एक्स जे वाई जे और जेड जे, तो आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से लिख सकते हैं कि एक्स जे माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई जे माइनस वाई आई का होल स्क्वायर प्लस जेड जे माइनस जेड आई का होल स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट एंड दैट विल बी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। सपोज करिए कि इस कॉन्स्टेंट को हम लोग सी जे आई सिंबल से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए ये जो फिर रिजल्ट आया, यह रिजल्ट आप देखेंगे कि जो होलोनोमिक कॉन्स्टेंट का जो इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर देखा उसको सेटिस्फाई करता है, एंड सो यह रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि जो कॉन्स्टेंट इस केस में इम्पोज्ड है दैट इज होलोनोमिक कॉन्स्टेंट, होलोनोमिक कॉन्स्टेंट इस पर इम्पोज्ड है। लेकिन कॉन्स्टेंट होलोनोमिक के एक और कंडीशन में हो सकता है, अगर मान लीजिए पोजिशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है लेकिन वेलोसिटी रेस्ट्रिक्टेड है तब भी संभावना है कि कॉन्स्टेंट होलोनोमिक हो। तो हम लोग अब बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑन वेलोसिटी। देखिए पोजीशन के बजाय अगर वेलोसिटी रेस्ट्रिक्टेड है उस स्थिति में कॉन्स्टेंट होलोनोमिक हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन वेलोसिटी, इम्पोज्ड ऑन वेलोसिटी मे बी इंटीग्रेटेड to give restriction on position। अगर
वेलोसिटी पर इम्पोज्ड कंडीशन वाले इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते हैं और आफ्टर इंटीग्रेशन हमें जो रिजल्ट मिलता है उससे रिस्ट्रिक्शन ऑन पोजीशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो उस कंडीशन में भले ही डायरेक्टली पोजीशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वेलोसिटी रिस्ट्रिक्टेड है, फिर भी हम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, होलोनोमिक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम एक इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं और उस इंक्लाइन प्लेन पर कोई डिस्क है या कोई स्फेयर है जो ए रेडियस का है और वह ए रेडियस का स्फेयर इस पर रोल कर रहा है, रोलिंग इज प्योर रोलिंग, या जो इसका रोलिंग मोशन हो रहा है वह प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग, एंड इसका इंक्लिनेशन है थीटा। ऐसी स्थिति मान लीजिए स्टॉप पोजीशन से इसको रिलीज किया गया और ये रोल करता हुआ इस पॉइंट पर आता है और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का रेडियस वेक्टर है वह इस इंटरवल में थीटा से रोटेट कर जाता है। तो प्योर रोलिंग का जो कंडीशन है और प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ आर के जगह पर हम लोग लिखेंगे ए, ओमेगा ए, ओमेगा को आप लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी। अब ही यहाँ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, एल डिस्प्लेसमेंट हुआ है सीएम का, तो भी को आप लिखेंगे दिस विल बी डी एल बाय डी टी एंड दिस डी एल बाय डी टी इज ए डी थीटा बाय डी टी एंड दिस इज सिंपली आप एक तरह समझेंगे डी टी कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल करना कहना नहीं चाहिए लेकिन अलजेब्रिकली वह सही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इंटीग्रल डी एल हम लिखते हैं तो दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ ए डी थीटा एंड दिस इज एल इक्वल टू ए थीटा एंड दिस इम्प्लाइज एल माइनस ए थीटा इक्वल टू जीरो। देखिए अब ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि यह पोजीशन के रिस्ट्रिक्शन को इम्प्लाई कर रहा है, जबकि हम लोगों ने कंडीशन यहाँ इम्पोज था कि जब रोलिंग होगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा आर, सो ओरिजिनली द कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन वेलोसिटी बट दैट वेलोसिटी इक्वेशन इज चेंज्ड इनटू पोजीशन इक्वेशन आफ्टर इंटीग्रेशन। इसलिए जो कंडीशन हमने आपको ऊपर बताया वह इम्प्लाई कर रहा है कि इस रोल करते हुए बॉडी पर इम्पोज जो कांस्टेंट है दैट कांस्टेंट इज होलोनोमिक कांस्टेंट। जो दूसरा टाइप है स्क्लेरोनोमस और रियोनोमस, हम लोग इस लेक्चर को अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, वहाँ हम बात करेंगे उस दो कांस्टेंट का, फिर उसके अलावा कांस्टेंट के फोर्स का, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में के कंटिन्यूएशन में हम।